छुपा है इसमें, इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। कभी बेइंतहा प्यार करते हैं ना, उसके साथ कभी नफरत का खेल नहीं खेला जा सकता। मैं उसे नफरत करता हूँ, नफरत। उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और तू कह रहा है कि तू उससे नफरत करता है। देखो, तुम लोग की सच्चाई छुपेगी नहीं, एक दिन जरूर सामने आएगी। तुम गुनेगार मुझे क्यों समझ रहे हो? कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये सुंदर ने किया है, और उसके खिलाफ जाकर तुम्हें आजाद करने की हिम्मत मैं तो नहीं कर सकती। ठीक है, तुम मुझे आजाद नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक पैगाम मामा तक तो पहुंचा सकती हो ना। जब जब कंस ने जन्म लिया है, उसे मारने के लिए कृष्ण भगवान ने भी जन्म लिया है। जो कंस ने किया, अब वो सुंदर मामा कर रहे हैं। अंजाम कंस का भी बुरा था, और अंजाम सुंदर लाल का भी बुरा होगा। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझती हूँ अर्जुन, लेकिन क्या करूं, सुंदर ने आज तक किसी की ना सुनी है और ना वो कभी किसी की सुनेगा। अगर मुझे जरा सा भी मौका मिला ना, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मैं इतना तो जानती हूं कि वो कंस है, और जिस दिन तुम कृष्ण बनना चाहोगे तो तुम्हारी मदद मैं करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कल तक तुम सुंदर का मौरा थे, अब मेरा मौरा बनोगे, ऐसा मौरा जो सुंदर को मेरे रास्ते से हटाएगा। मुंजाल की सारी जायदाद मेरी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। खेल तो अब मेरी मुट्ठी में आ चुका है। मुंजाल की उस जायदाद का कोई हिस्सेदार नहीं होगा, चाहे वो सुंदर हो या मेघना। सुंदरलाल, नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी अदालत से खबर मिली है कि शहर के मशहूर नेता गुलशन शाह, जो किसी ना किसी मुद्दे में उलझे ही रहते हैं, कुछ दिन पहले सब लोग उन्हें मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो जिंदा है, और उन्हें कुछ लोगों ने अगवा किया था। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया है, और खबर मिली है कि जमाल शेख के बयान और सबूतों के आधार पर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जमाल शेख के बयान और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अदालत ने फिर से जेल भेजने का आदेश दिया है। कहा जाता है एटीएस ऑफिसर राकेश वैश्य को फंसाने में भी गुलशन शाह का ही हाथ है, और ये भी कहा जा रहा है कि एसआरपी न्यूज चैनल के एडिटर मिस्टर मानस को भी फंसाने में गुलशन शाह का ही हाथ है। और अब ये सारी बातें अदालत में साबित हो चुकी है। आज एटीएस ऑफिसर राकेश वैश्य को भी
अदालत में पेश किया गया। उनकी तरफ से केस लड़ रहे थे पूर्व जस्टिस आदित्य प्रताप सिंह। सामने ये पेश किया कि राकेश वैश्य बेगुनाह है और अदालत ने भी इसे माना। उम्मीद की जा रही है कि राकेश वैश्य को जो सजाए मौत मिली थी उसे रद्द किया जाएगा और अदालत राकेश वैश्य की रिहाई का भी हुक्म दे सकती है। आपने पता है मेरे भाई शमशेर सिंह के कत्ल के जुर्म में गुलशन शाह ने ही मानस को फंसाया था। वो तो मन ने सारी सच्चाई बेरा थी जो अदालत में गवाही देके मानस को बचा लिया। आपने गवाही दी थी? जी, मैंने ही अदालत में गवाही दी थी कि शमशेर सिंह को मानस ने नहीं मारा बल्कि उसके साथियों ने ही शमशेर सिंह की हत्या करी है। वो मेरा भाई था। मैं तो पहले हरियाणा में था, साहब जी के यहां नौकरी मिल गई, अब इनके यहां काम कर रहा हूं। आपने खाना खा लिया? अब मुंजाल अंकल कहाँ है? उन्होंने खाना खाया? नहीं, वो तो कुछ खाने को तैयार ही नहीं है। मैंने उनके कमरे में खाना भिजवाया था, उन्होंने वापस कर दिया। उन्हें संभालना और समझाना बहुत घना जरूरी है। मुंजाल अंकल को संभालने की जिम्मेदारी अब हमारी है। चलिए, मैं उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ। क्या? तुम्हारे पापा की दलीलें अदालत ने मान ली? माँ, पापा की दलीलें तो माननी थी, सारी बात तो पहले साफ हो गई थी। हाँ बेटा, पहले भी राकेश के केस में उन्होंने ही तो जजमेंट दिया था जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई थी। और आज जब वो राकेश के डिफेंस लॉयर बनकर खड़े हैं तो अदालत को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। हाँ माँ, पापा ने जो दलीलें दी और जो सबूत पेश किए उसे अदालत को मानना ही पड़ा। हाँ, वो वीडियो ही सबसे बड़ा सबूत बना था जिसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है और पुलिस ने भी तो अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उन्हीं सारी बातों की वजह से हो सकता है राकेश को जल्दी ही रिहाई का ऑर्डर मिल जाए। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। पहली बार जब राकेश को सजा सुनाई थी तो पहली बार उनसे कोई गलत फैसला हुआ था जिसका बोझ आज भी उनके दिल पर है। राकेश की रिहाई से उनके दिल से ये बोझ हट जाएगा। हेलो। नमस्ते बाजी। खुश रहो बेटा, कहो कैसे याद किया आज? बाजी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जरूरी बातें करनी है। ऐसी क्या बात है बेटा? है कुछ ऐसी खास बात बाजी। जिंदगी जब रिश्तों के बीच उलझ कर रह जाती है और खुशियां रिश्तों के बीच फंस के अपना दम तोड़ने लगती है तब मिलजुल के ही कोई रास्ता निकालना पड़ता है माजी। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं बेटा। मैं इस तरह फोन पे समझा भी नहीं पाऊंगा, इसीलिए हमारा मिलना जरूरी है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा ही घर है, कभी भी आ सकते हो। इसमें पूछने की क्या बात है? देखो, मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ लेकिन दामाद और बेटे के बीच बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। बोलो, कब आना चाहते हो?
नहीं माँ जी, मैं आपके घर पर नहीं आना चाहता, क्योंकि जो बात मुझे आपसे करनी है वो घर पे नहीं हो पाई, वहां और भी लोग होंगे, इसीलिए बेहतर होगा हम अकेले में मिले। ठीक है, बोलो कहाँ आना है मुझे? मैं शाम 5 बजे गोकुलधाम मंदिर के सामने जो गार्डन है वहां आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। शुक्रिया। अदालत में जज साहब ने क्या कहा? क्या अदालत ने मेरे बेटे को बेगुनाह माना? हाँ नीलमा, अदालत को ये मानना पड़ा कि हमारा राकेश बेगुनाह है, और अदालत को ये भी मानना पड़ा कि गलत सबूतों के आधार पर राकेश को देशद्रोही मान लिया गया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरा बेटा लौटा दिया, और साथ ही लौटा दी इस घर की इज्जत और शान शौकत। नीलमा, हमारे राकेश के माथे पर लगा बदनुमा दाग अब धुल चुका है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा राकेश एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर, एक देशद्रोही था। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में चलते हैं उन्हें उसका सिला जरूर मिलता है, और मिलना भी चाहिए, वरना तो इस धरती से सच्चाई का नामो निशान मिट जाएगा। आप दोनों को मुबारकबाद देने आया हूं। अनजाने में जो गलती जस्टिस आदित्य प्रताप सिंह से हुई थी, जिसकी वजह से आपका बेटा आपसे छिन गया था, आपको वही बेटा मैं आपको लौटाने आया हूं, ताकि मेरे माथे पर जो कलंक लगा है वो कलंक हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। ये है आपके बेटे की रिहाई के कागजात। आज अदालत में आदित्य प्रताप की जीत हुई है। शायद इस जीत में जस्टिस आदित्य प्रताप नारायण सिंह की हार हुई है, लेकिन जीत जो है सच्चाई की हुई है। आप ठीक कहते हैं भाई साहब। राजेश्वर जी ने न जाने कितने इल्जाम लगा दिए मुझ पर, कुछ नहीं कह डाला। इनकी हर बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती रही, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। न्याय की कुर्सी पर बैठकर जस्टिस आदित्य प्रताप ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, और आज न्याय की कुर्सी से उतरकर भी हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा। आपके लगाए हुए हर इल्जाम गलत थे राजेश्वर जी। जाने दीजिए ना भाई साहब, मेरा बेटा मुझे मिल गया, मुझे किसी से कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। बस मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो महज मेरा प्रायश्चित था। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, सिर्फ फर्ज। यही कहना चाहूंगा कि हर इंसान को अपना
फर्ज निभाना चाहिए। बस एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि आप भी अपना फर्ज निभाएं। राजेश्वर जी, साक्षी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उस बेचारी अकेली का दोष नहीं है, आपके बेटे राहुल का भी है। खैर, जो गलती बच्चों से हुई है आप उसे सुधार सकते हैं साक्षी को अपने घर की बहू बनाकर। इल्तिजा करता हूं आपसे कि प्लीज साक्षी को अपने घर में और अपने दिल में जगा देते, बस इतना करते काफी है। नमस्ते। मैडम आपको मालूम है गुलशन शाह को जेल भेज दिया गया? जी मैडम। और अदालत ने सख्त हिदायत दी है पुलिस वालों को कि सुंदरलाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। सुंदरलाल की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है देवेंद्र। ये सुंदरलाल जैसे जो इंसान होते ना वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़े दुश्मन होते, और जब तक इनका सफाया नहीं होता है हम चैन और सुकून से जी नहीं पाएंगे। मैडम पुलिस तो सुंदरलाल को तलाश कर ही रही है। इधर राकेश के केस में अदालत ने राकेश की रिहाई के ऑर्डर जारी कर दिए। राकेश की रिहाई के ऑर्डर जारी हो गए? जी मैडम। मैडम ये तो आप भी जानती थी और सभी लोग जानते थे कि राकेश का केस कोई और नहीं आपके पिताजी खुद लड़ रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं मैडम, एक जज अपने ही सुनाए हुए फैसले को गलत साबित करने के लिए वकील बनकर खुद अदालत में खड़ा हो गया है। और यही इंसाफ भी है देवेंद्र। हमारे बाकी सारे डिपार्टमेंट चाहे जो कुछ भी हो लेकिन हमारी न्यायपालिका अभी भी बहुत मजबूत है। हम अभी भी न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। न्यायपालिका से न्याय देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। और हाँ मैडम, अदालत ने भी राकेश को उसकी पुरानी सजा से निरस्त ही नहीं किया बल्कि उसकी रिहाई का ऑर्डर भी पास कर दिया। मुझे पूरा विश्वास था कि राकेश बेगुनाह था और इसीलिए मैंने प्रण किया था कि मैं उनको किसी भी हालत में बेगुनाह साबित करूंगी। दुनिया के लिए तो वो मर चुके थे लेकिन मैंने प्रण किया था और मेरा प्रण अड़िग था। किसी भी हालत में मैं उन्हें बेगुनाह साबित करना चाहती थी। उनके माथे पे जो गद्दार होने का कलंक लगा था मैं उसे मिटाना चाहती थी। और देवेंद्र मैं उन लोगों के चेहरे बेनकाब करना चाहती थी जो इस देश के असली गद्दार हैं, असली दुश्मन हैं, जो इस देश में रहकर अंदर ही अंदर इस देश को खोखला कर रहे हैं। और मैंने अपना प्राण पूरा किया। मुबारक हो मैडम। थैंक्स देवेंद्र। अब जाइए। आज मेरा प्राण पूरा हुआ है और भगवान आप ही की वजह से हुआ है, तो आपका आशीर्वाद तो जरूर लूंगी मैं।
नमस्ते बाजी। नहीं नहीं दामाद जी, जिसका पांव पूजा हो और जिसे कन्यादान दिया उसे पांव नहीं छुआया जाता। कहिए, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? माँ जी, शायद आप नहीं जानती हैं, राकेश बहुत जल्दी रिहा होने वाला है जेल से, और ये रितिका के लिए भी बहुत खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है ही, क्योंकि उसका वो प्रण पूरा हो जाएगा जिसके लिए उसने आईएएस कंप्लीट किया। राकेश से एक लगाव भी तो था, एक अपनापन भी था, जिसे मैंने भी महसूस किया है। मैं आपकी बात समझी नहीं दामाद जी। देखिए माँ जी, मैं रितिका को जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ, शायद सही प्यार का यही मतलब होता है, और मैं उस प्यार को सार्थक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ रितिका को उसकी हर खुशी मिले। सुहागन की खुशी तो उसके सुहाग की खुशी के साथ ही जुड़ी हुई होती है, और रितिका के लिए आपसे बढ़कर तो खुशी कोई हो ही नहीं सकती। आप रिश्तों की बात कर रही हैं माँ जी, जबकि एक सच ये भी है कि हर रिश्ता जो जुड़ता है उसका महत्व नहीं होता है, महत्व उन रिश्तों का होता है जो दिल से जुड़ते हैं, क्योंकि दिल से जोड़े गए रिश्तों को जबरदस्ती निभाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद ही निभ जाते हैं, और मैं ऐसे ही रिश्ते की बात कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। माँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रितिका को फिर से वो खुशी दी जाए जो अधूरी रह गई थी। मैं दरअसल रितिका को राकेश से एक बार फिर मिलाना चाहता हूँ। कच्चे धागे से बंधा इसमें।